हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ मोना। आप सबका मेरी चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं अक्षय तृतीया के लिए जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। अक्षय तृतीया के दिन हमें जो खाना बनाना होता है वो रूटीन से थोड़ा अलग बनाना होता है, और जो पूजा होती है वो भी करनी होती है, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। तो सुबह जल्दी उठकर मैंने मेरे बर्तन कर लिए थे, झाड़ू हो चुका था, बस अभी पोछा लगा रही हूँ, इसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो आज मैं स्पेशल सब्जी जो है वो बनाने वाली हूँ, पानवड़े की सब्जी। तो आप इसमें आगे देखते रहिए, आपको धीरे धीरे दिख जाएगा कि सब्जी कैसे बनाते हैं, पानवड़े की सब्जी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू। तो आगे देखिए, अभी मैं यहाँ पर पोछा लगा कर नहाने जाऊँगी, उसके बाद मैं खाना बनाने आ जाऊँगी। तो ये जो होता है अक्षय तृतीया की पूजा, हर कोई नहीं करता है, जैसे मेरे सास ससुर करते हैं। जब जो मेरे ससुर जी, उनके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, उनके लिए हम ये पात्र लगाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने मेरी सास ने यहाँ पर वो जो खड़ा मसाला है उसे भून के रख दिया था, प्याज बारीक काट कर, ये देखिए इस तरह से उसे लाइट ब्राउन करके रख दिए थे। मतलब वो पैन में उनको हल्का तेल डालकर उसको भूनना है बस, और उसका हमें पेस्ट बनाना है। खड़ा मसाले में यहाँ पर खड़ा धनिया है, लाल मिर्च है, सूखी मिर्च, उसके बाद उसमें जीरा है, काली मिर्च है, छोटी सी दालचीनी है, बहुत मसाले नहीं डालने, नॉर्मल डालना है, इतना काफ़ी हो जाता है। ये देखिए थोड़ी सी दालचीनी है बस मसाले में, हेवी मसाले में, बाकी सब खड़ा धनिया वगैरह, सूखा धनिया थोड़ा सा ही है बस, उसको भी भून लिया था। अब देखिए यहाँ पर उसका पेस्ट हो चुका है, और यहाँ पर ये जो पेस्ट ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैंने प्याज के पेस्ट में टमाटर डाल दिया था। आप टमाटर डाल दीजिए, उसकी भी प्यूरी बन जाती है, फिर ऊपर से हम एक टमाटर काट के डाल सकते हैं बारीक बारीक। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने रात को ही बना के रख दिया था ताकि टाइम बचाए, काफ़ी टाइम लगता है लहसुन साफ कर उसका पेस्ट बनाने में, तो पहले ही बना के रख दिया था कल। यहाँ पर आई, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कड़ी का तड़का लग रहा है। इस कड़ी के लिए हमें पानी गर्म करना होता है, पानी गर्म करने रख दिया है, और दही को और बेसन को मिक्स कर रही है। इसके बाद यहाँ पे मैं मिर्ची काट कर और ये मीठे नीम का पत्ता यहाँ पे हम तड़के में डाल देंगे इसे। जो नॉर्मल तड़का आप लगाते हो बस वैसे ही लगाना है, इसे कुछ ज़्यादा ये नहीं करना है। और थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए बस वो डाल देना है, और मेथी दाना डालते हैं तड़के में बस। ये दाल देखिए, जिसकी मैं आज पानवड़ी की सब्जी की जो बात कर रही हूँ उसके लिए दाल क्या क्या लगती है, हमें दो कटोरी मूंग दाल लेनी है, फिर उसके बाद जो उड़द दाल है वो थोड़ी ज़्यादा लेनी है, 3 कटोरी, और कोई और दाल है जैसे लाख की दाल है, मसूर दाल है, जो भी आपको अदर कोई दाल अच्छी लगती है उसमें वो थोड़ी सी आप डाल सकते हो, बट ये मेन दाल होती है, इसी की सब्जी बनती है पानवड़े की सब्जी। आप बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगती है। तो इसमें हम सब्जी भी बनाने वाले इस दाल से, और वड़े भी बनने वाले। जो वड़े बनते हैं तो पीसना एक जैसा ही है वड़े के लिए और सब्जी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं इसको पीस रही हूँ, तब तक आई ने कड़ी लगा दी, यहाँ पे कड़ी हो रही है, और यहाँ पर चावल भी आई ने धो के रख दिया है, वो भी पक रहा है। तो यहाँ पर टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी होना चाहिए। तो देखिए हो चुका था, उसके बाद आई ने यहाँ पे कड़ाई रख दी है, उसमें अभी आई तेल डालेंगी, वो जैसे ही गर्म हो जाता है तो पापड़ तलने हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मेरा ये जो दाल था वो भी बारीक हो चुका है, इसे बहुत बारीक नहीं करना है और बहुत मोटा नहीं रखना है, नॉर्मल हमें करना है। इससे हमें सब्जी जो बनानी है, सब्जी के लिए हम जो वड़े बनाते हैं उसके लिए भी सेम लगता है, और वड़े जो हम खाते हैं उसके लिए भी वो सेम ही बनता है। दोनों में वड़े बनाने हैं, बट वो हम खा सकते हैं तेल में जो फ्राई करके वड़े बनाते हैं, और ये जो होते हैं हमें इसे सब्जी में डालना है, तो हम इसे कच्चा हल्का कच्चा रखते हैं, बहुत डीप फ्राई नहीं करते हैं। तो आगे आगे आप देखते जाइए सब्जी की प्रोसेस। यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, इसे तेल को पापड़ के लिए बहुत गर्म नहीं होने देना है, और बहुत ही ज़्यादा ठंडा नहीं रखना है, हल्का भी नहीं, बहुत गर्म नहीं, क्योंकि पापड़ जल जाते हैं।
जो पापड़ आप देख रहे हो ये बहुत स्पेशल होते हैं इस पूजा के लिए। ये हमें नए बनाने होते हैं हर साल इस पूजा के लिए, तो ये नए बने हैं, पुराने हम यूज़ नहीं कर सकते अगर होते भी है तो घर पे। ये गेहूं से बनते हैं, इसे इसके लिए हमें गेहूं भिगाना होता है, फिर उसके बाद उसको मिक्सी में बारीक करके उसका फिर वो सब निकालते हैं अलग, पानी अलग वो सब जो होता है, तो इसका भी बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप सबको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए, मैं ज़रूर इसका बताऊँगी। और ये देखिए यहाँ पर ये बारीक हो चुका है मेरी जो दाल थी। अब यहाँ पर मैं बारीक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूँगी, बहुत बारीक नहीं करना है, नॉर्मल बारीक करना है क्योंकि ये सब्जी बन रही है इसकी, तो हमें बहुत मोटा नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा प्याज भी नहीं डालना क्योंकि खाने में नहीं ये वड़े जो है हम सब्जी में डाल रहे हैं, तो जो हम वड़े खाते हैं उसमें हम मोटा मोटा काट के थोड़ा डाल सकते हैं प्याज, क्योंकि वो अच्छा लगता है खाने में। ये पापड़ देखिए कितना अच्छा फूल रहा है, इसलिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल तेल गर्म होना चाहिए जिससे पापड़ अच्छे फूलते हैं। ये जो पापड़ है ये रस के साथ खाने वाले हैं और इसमें सेवई भी निकालेंगे, वो भी नई बनानी होती है हर साल इस पूजा के लिए, तो सेवई तो सिर्फ उबालनी होती तो उसे आखिरी में करेंगे। यहाँ पर मैं बारीक बारीक प्याज काट रही हूँ, ये जैसे ही हो जाता है इसमें मैं मिक्स कर दूँगी और इसमें हमें नॉर्मल मसाले डालने हैं, ये जो पेस्ट है दाल का। देखिए यहाँ पर आई के वो जो पापड़ है वो हो चुके हैं, भी यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है, ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं और मोटा भी नहीं है। यहाँ पर हमें जो पेस्ट होता है अदरक लहसुन का वो भी डालना है, उसे फ्लेवर आता है, ये मैंने डाल दिया है। देखिए इतना इस क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इतना डाला है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो पेस्ट है, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये हरा धनिया का पेस्ट है, हरा धनिया जो होता है बहुत सारा बच जाता है तो उसका हम पेस्ट बना लेते हैं, तो बस वही है। अब इसके बाद यहाँ पर ये पापड़ होने के लिए बस इसके बाद कुरुड़िया बनानी है। यहाँ पर चावल बन चुका है, इस चावल को मैंने साइड में रख दिया। और देखिए यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर और हल्दी धनिया पाउडर ये डाल दिया है, बस मसाले थोड़े थोड़े डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सब डालने के बाद हमें इसे पूरा अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि ये जो मसाले हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें मसालों में कुछ नहीं, सिर्फ मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर है और थोड़ा सा धनिया पाउडर बस। यहाँ पर ये पापड़ हो गए थे, इसके बाद ये जो गुरोड़िया दिख रही है आपको इसको तलना है अभी। ये भी गेहूं से ही बनी होती है, पापड़ थोड़े से रह गए थे बस, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद ये जो गुरोड़िया दिख रही है आपको ये तल लेंगे। यहाँ मैंने मीठे नीम का पत्ता डाल दिया है, मीठे नीम का पत्ता डालने से अच्छी टेस्ट आती है। इसमें हम हरा धनिया भी डालेंगे, थोड़ा सा नमक जो है वो अपने स्वादानुसार डालना है हमें। वैसे भी जो मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर जो मसाले हैं वो हमें सब अपने जो पेस्ट है उसके हिसाब से ही डालना है। और ये जो आप देख रहे हो कुरुड़िया, ये भी गेहूं की बनी होती है जैसे मैंने बताया आपको, बस ये जो मशीन आती है उससे बनाते हैं और जो पापड़ होते हैं वो हाथ से ही बन जाते हैं। ये भी बनाना ज़रूरी होता है आज के दिन, ये पापड़ और ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये भी रस के साथ बहुत अच्छा लगता है। आ,
ये देखिए मैंने यहाँ पर जो धनिया है वो धो लिया है। अब ये धनिया मैं काट कर यहाँ पर इस पेस्ट में डाल दूँगी। जो धनिया होता है वो अच्छा लगता है। जो आधा धनिया है मैंने सब्जी में डालने के लिए रखा है और थोड़ा सा इसमें डाल दिया, बहुत सारा नहीं डालना है हमें, थोड़ा सा डालना है। ये गार्गी है, जब भी हम खाना बनाते हैं बच्चे बिल्कुल आ जाते हैं देखने के लिए कि क्या बना रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा आती है। ये देखो ये फिर से इधर से आ गई है। यहाँ पर दीदी का फोन आया था तो आई उनसे बात कर रही है। और ये जो पपड़ तलने का है और ये जो कुरुड़िया भी पूरा ख़त्म हो गया है, अभी इसमें कुछ भी तलने का नहीं बचा हुआ है, बस अभी बनाना है वड़ी। और साथ ही में यहाँ पर सब्जी बनाने के लिए गंजी रख दी है, उसमें तेल डाल दिया है। जैसे ही वो गर्म हो जाता है उसमें जो मसाला है हमारा वो हम डाल देंगे, जो खड़ा मसाला है पहले तेज पत्ता डाल दीजिए, उसके बाद हम उसमें जो खड़ा मसाला बारीक करके रखा था वो डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये डाल दिया है। इसे हल्का सा होने देने के बाद हम यहाँ पर जो अदरक लहसुन का पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ से 1 से 1.5 चम्मच डाल दूँगी मैं। ये 10 से 11 लोगों के लिए सब्जी बन रही है तो उसके हिसाब से डालना है हमें, और आप क्वांटिटी अगर कम है तो फिर उसके हिसाब से कम कम कर दीजिए। बस अभी इसे होने दीजिए। इसके बाद हम इसमें जो प्याज का पेस्ट बना के रखा था उसमें मैंने एक टमाटर डाल दिया था, वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और फिर इसे बस अच्छे से मिलाकर छोड़ दीजिए। फिर जब तक इसमें तेल नहीं छूटता तो इसमें हम हल्का सा तेल आने के बाद हम इसमें मिर्च मसाला और जो भी है हमारा मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर तो ऑलरेडी इसमें खड़ा धनिया हमने बारीक किया था। तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ। और ये जो आटा है ये पूरियाँ भी बनानी है मुझे और नॉर्मल रोटी भी बनानी है, तो मैं अलग अलग नहीं भिगाऊंगी, इसी को कड़क भिगा लेती हूँ। फिर उसके बाद पूरी होने के बाद मैं उसको नरम करके उसी से रोटी बना लूँगी। ये जो है ये पानवड़े की सब्जी के लिए वड़े हैं। ये देखिए किस तरह से बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं और पतले भी नहीं हैं। तो ये जो है हमें बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, हमें नॉर्मल फ्राई करना है। आधे जो होते समझ लीजिए हल्के कच्चे भी रखे तो भी जलता है, क्योंकि हमें इसे सब्जी में पकाना है। तो सब्जी में जो ग्रेवी होती है वो इसके अंदर जाती है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसीलिए हमें इसमें बहुत डीप फ्राई नहीं करना है। वैसे आप इसे दो तरीके से बना सकते हो, एक तो हम तेल में तल के भी बनाते हैं हल्का तलकर, और दूसरा तो इसे भाप पर पका के भी बनाते हैं। वो जो प्रोसेस होती है वो लंबी होती है, थोड़ा टाइम लगता है, और अगर इतना वक्त नहीं है तो हमने ऐसे बनाया है, वो उस तरह से भी बनती है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपको देखना है तो मैं ज़रूर बताऊंगी वो सब्ज़ी कैसे बनती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मिर्च पाउडर अपने स्वादानुसार, हल्दी पाउडर डाल देना है हमें, और थोड़ा सा गरम मसाला वो हमें ऊपर से डालना होता है। तब तक मैं उधर वो साफ़ कर रही हूँ, बहुत कचरा हो जाता है जो ज़्यादा खाना बनाते हैं तो बहुत ही हो जाता है। ये वड़े देखिए, यहाँ पर हमें इसमें गड्ढे नहीं करने हैं, बीच में तो गड्ढे करते हैं अच्छा पकना चाहिए, इसलिए इसमें करने की ज़रूरत नहीं, इसमें नॉर्मल हमें बना के इसमें फ्राई करना है बस। ये देखिए इस तरह से ये वड़े बन गए हैं। यहाँ पर नमक डाल देना है हमारे टेस्ट के हिसाब से जो सब्जी है,
बस नमक डाल दिया है। अभी यहाँ पर जब तक इसमें तेल नहीं आता इसमें हमें इसे पकने देना है। बस मुझे टमाटर डालने हैं इसमें, टमाटर डालकर इसको अच्छे से गलने देना है और फिर जब तेल ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें पानी डाल देंगे। तो देखिए अब इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी बारीक बारीक कट करके, और टमाटर जो है बहुत मोटे नहीं रखने हैं और बहुत ही बारीक भी नहीं, बारीक तो अच्छी है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बारीक हो जाएंगे ज़्यादा तो फिर वो जल्दी गल जाएंगे। तो देखिए मैं इस तरह से टमाटर बारीक किए मैंने और मैं यहाँ पर ये डाल दे रही हूँ, ये जल्दी ही गल जाएंगे, काफ़ी सारी सब्जी है। ये देखिए यहाँ पर तेल छूट गया, इसी तरह से तेल आना चाहिए सब्जी में, मसाले में, और फिर इसमें हम पानी डाल देंगे और इस पानी को उबाल आने के बाद फिर इसमें हम वो जो बने हुए वड़े वो डालेंगे, पर पहले हमें इसे अच्छे से इस पानी को उबाल आने देना है। और पानी आप अपने सब्जी के हिसाब से डालिए क्योंकि इसमें सिर्फ वड़े ही जाने वाले हैं और कुछ है नहीं, तो ग्रेवी अगर ज़्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए पहले ही पानी अपने हिसाब से डाल दीजिए। ये यहाँ पर पूजा जो होती है उसके लिए पूरियाँ ज़रूरी होती है, तो पूरियाँ बन रही है और ये बच्चे भी खाते हैं तो उसके साथ थोड़ी सी ज़्यादा बन रही है, तो यहाँ पर पूरियाँ बने अभी हो गई है बनके, अब इसको साइड में रख देंगे क्योंकि ये पूजा की है। और ये देखिए यहाँ पर उबाल आ गया है और ये जो वड़े हैं हमें अभी डाल देने उबाल आने के बाद सब्जी में, और इसे अच्छे से पकाना है हमें सब्जी में, ना कि तेल में पकाना, तेल में हल्का ही पकाना है पर मेन जो है वो उसे सब्जी में पकाना है। इसे आप करीब 25 मिनट तक तो हमें इसे अच्छे से पकाना है, एकदम पावर में नहीं, नॉर्मल कम गैस में ही पकाना है तो अच्छे से पकते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ पेस्ट था दाल का उसमें मैंने यहाँ पे पैच कट करके डाल दिया, यहाँ पर हम हल्का मोटा पैच डाल सकते हैं जो खाने में अच्छा लगता है। इसमें हल्का धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, जो जो आपको डालना है, क्योंकि ये खाने वाले वड़े हैं ये बहुत टेस्टी लगते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको चाहिए। बट जो दाल होती है वो उड़द दाल, मूंग दाल के बनते हैं, तो दाल भी हम वैरायटी दाल इसमें डाल सकते हैं, अलग अलग दाल के वड़े बनते हैं बहुत सारे इसके, और वड़ों की तो बहुत सारी वैरायटी हैं, सब्जियाँ भी डालते हैं उसमें, तो बस अपने हिसाब से डाल सकते हैं। पर जो हम सब्जी बनाते हैं उसमें हम ज़्यादा सब्जियाँ वगैरह नहीं डाल सकते, जो पानवड़े की सब्जी वो ऐसी ही बनती है। ये देखिए यहाँ पर मैंने कहा था आपको ग्रेवी ज़्यादा हो गई तो प्रॉब्लम हो जाती है, वैसा ही हुआ है। पर इसका एक तरीका है, जब कभी हमारी जो ग्रेवी होती है बहुत पतली हो जाती है तो उसको हल्का गाढ़ा करने के लिए एक तरीका है, वो है चावल का आटा। जब कभी ऐसा हो जाए तो उसमें हल्का सा चावल का आटा लगा लीजिए तो जो ग्रेवी होती है वो हल्की सी गाढ़ी हो जाती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, जो टेस्ट है वो भी वैसी की वैसी रह जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो हम इसमें चावल का आटा लगा सकते हैं। ऐसा कई बार होता है गलती से ग्रेवी थोड़ी पतली हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। अभी वो हो गया था, इसके बाद हमें ये भी जो वड़े हैं ये पूजा में ही यूज़ होते हैं, उसके बाद कुछ वड़े खाने के लिए और जो मेन है वो पूजा के लिए। अभी दीदी यहाँ पर पूजा करेंगे, उसके बाद उनको भी उधर जो पके हुए आम हैं उसका उनको रस बनाना है और भी काम है, तो सभी आज काम कर रहे हैं। यहाँ पर वो उन्होंने रात को कल चने भिगाने डाले थे तो अभी आज उसका कुछ काम नहीं है, तो उसको अभी बस रख देंगे अच्छे से धो के, क्योंकि धूप काला है तो वो सब ख़राब हो सकता है, तो इसको धो के अच्छे से रख देंगे। क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिला कि उसका कुछ बना सके, तो बस इसलिए वो रह गए, नहीं तो कुछ था प्लान बनाने का, चने की जो उसड़ होती है वो बहुत अच्छी लगती है। अभी ये जो वड़े हैं इसे हमें अच्छे से होने देना है क्योंकि हम इसे खाएंगे, इसे डीप फ्राई अच्छे से होने देना है, मीन जो हमने पहले जो वड़े बनाए थे सब्जी के लिए बनाए थे तो आधे कच्चे, इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है और फिर इसे निकालना है।
ये सब होने के बाद अभी मैंने यहाँ पर पानी रख दिया सेवई उबालने के लिए। सेवई भी इम्पॉर्टेंट है, वो आखिरी में रखी क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाती है। इसके बाद मैंने आटे की लोइयां करके उसको रख दिया और मैं अभी यहाँ पर रोटी बेलूँगी। और उधर पूजा स्टार्ट हो गई, मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ, तो जितना हो सकता है मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी पूजा। तो यहाँ उधर आई और बाबा पूजा कर रहे हैं और मैं यहाँ जल्दी जल्दी रोटी बना के मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। यहाँ पर मेरी रोटियाँ हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर इनकी मटके की पूजा जो नीचे तुलसी के पास रख के करते वो हो चुकी है। बस यहाँ पर उन्होंने पानी डाला है, उसमें जो आम होते हैं उसको जो धागा होता है हमारा सुई धागा का वो बांधकर उसको वहाँ से ऊपर से ढक्कन को पैक कर दिया है। अभी ये हो चुका है देखिए। अभी इसकी जो मेन पूजा है, हमारा जो देवस्थान होता है घर के अंदर, वहाँ पर ले जाके उसकी पूजा करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है रंगोली निकाल के रखी है, उस रंगोली के ऊपर इसको रख देंगे और यहाँ पर इसकी पूजा करेंगे। और ये जो है हमने जितना ना खाना बनाया है ये सब यहाँ पर आपको दिख रहा है पात्र में। एक कड़ी है, सेवई है, रस है, उसमें वड़ा है, पूरी है, सब कुछ है। जो जो हम बनाते हैं वो हमें सब डालना होता है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर बाबा पूजा कर रहे हैं। और ये जो आपने जो हमें पात्र लगाते हैं इसका थोड़ा थोड़ा भोग जो है यहाँ पे अग्नि में डालना होता है। और ये बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत लंबी पूजा होती है बट मैं आपको शॉर्ट में दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता था, तो इसमें मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। और यहाँ पर अभी आए पूजा करेंगे, इसमें भी सेम ही प्रोसेस है, वो भी वैसा ही करेंगे। ये देखिए यहाँ पर अग्नि में वो भी थोड़ा थोड़ा जो भोग है वहाँ से निवाला निकाल कर इस अग्नि में डाल देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।